वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल एसए मीन सक्सेस। मैं रवि जगना एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में। जैसा कि थंबनेल आपको बता ही रहा है, इस क्लास में हम सिनोनिम और एंटोनियम्स वर्ड करेंगे भाई, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ओके, इस क्लास में हम वो सारे कवर करने वाले हैं, मतलब वर्ड जो कभी ना कभी एग्जाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इस तरह के वर्ड जो हैं अक्सर देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इनको आप लर्न कर लेंगे। ओके, और वैसे तो मैंने व्हाट्सएप पे भी इसके वर्ड करवाए ही थे। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो व्हाट्सएप से जुड़े नहीं हों, तो इस वजह से मैं इसकी एक वीडियो भी बना दे रहा हूँ, ताकि इसमें मैं समझा भी पाऊँ आपको। ठीक है, वर्ड समझा पाऊँगा कि किस तरह से वर्ड का क्या मतलब कैसे निकलता है, तो वो सारी बातें हम आज करेंगे भाई। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला वर्ड आपका प्रीक्विजिट। प्रीक्विजिटी एक नाउन होता है, जिसका मतलब है एक मॉनेटरी बेनिफिट लेना। किसी भी मनी की फॉर्म में अगर हम कोई बेनिफिट ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उसे प्रीक्विजिट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, आकलन करना, किसी को असेस कर रहे हैं। ठीक है, कि वो कितना पानी में है, दैट मीन्स उसमें कैपेबिलिटी क्या है, उसकी कितनी कैपेसिटी है। द प्रोसेस ऑफ असेसिंग समवन, ठीक है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, आगे देखिए, आगे वर्ड देखो अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब है चेंज इन रूल, किसी भी रूल में अगर कोई चेंज होता है तो उसे हम अमेंडमेंट कहते हैं। मिस्टीरियस एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है कुछ चेंज हो जाना। ठीक है, उसको मिस्टीरियस कहते हैं। और नेक्स्ट देखिए, प्रोबेबल का मतलब है विच इज़ अनसर्टेन टू हैपन, जो हैपन होना अनसर्टेन है, मतलब वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ट्रिमेंडियस होता है एडजेक्टिव, ह्यूज एंड लार्ज विच इज़। फेमाइन का मतलब है स्कार्सिटी ऑफ फूड, ठीक है, जहाँ पर खाना या फूड की जो है वो स्कार्सिटी है। स्कार्सिटी का मतलब होता है कमी हो जाना किसी चीज़ की। ठीक है, एडिक्युएटली एडवर्ब है, जिसका मतलब है जैसे सिचुएशन है उसको उस तरह से एक्सेप्ट कर लेना। एग्रावेट होता है एक सीरियस सिचुएशन, जिसमें हम सिचुएशन को और ज़्यादा बद से बदतर बना देते हैं। सैलियंट क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट समथिंग विच इज़ विल बी इम्पॉर्टेंट। ठीक है, कुछ ये वर्ड भी थे भाई जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आज हमारे वोकैब के वर्ड, जिसमें हम सिनोनिम और एंटोनियम जो है वो करने वाले हैं। तो वो देखिए ज़रा, सबसे पहला वर्ड है कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन का मतलब होता है किसी भी टीम का एक साथ होकर काम करना, वर्किंग टुगेदरली। ठीक, सिनोनिम इसके क्या है, कोऑपरेशन, एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन और अलायंस, ये सारे वर्ड के सिनोनिम हैं, जिसमें कोई भी काम इकट्ठा टीम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर टीम जो है कोई काम करती है, तो आपका कोलैबोरेशन होता है। और एंटोनियम क्या होगा, डिसोल्यूशन, डिवीजन, सेपरेशन, एलियनेशन, दैट मींस किसी चीज़ का डिजोल्व हो जाना, डिवीजन हो जाना, अलग हो जाना, अकेले रह के काम करना, वो आपका एंटोनियम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अगला वर्ड है डिटेंशन। डिटेंशन एक ऐसा एक्ट है जिसमें किसी पर्सन को प्रिजन में रखा जाता है। ठीक है, एंड सिनोनिम का इसके क्या हो, डिटेंटमेंट, होल्डिंग करना, क्लैस्प करना, हैंडल आउट करना, ग्रेस्पिंग करना, ये सारे आपके सिनोनिम हैं, जिसमें आप किसी पर्सन को निगरानी में रखते हैं या नज़रबंद करके रखते हैं। ठीक है, उस पर कैदी की तरह रखा जाता है। और एंटोनियम क्या है, अबेंडनमेंट, लेटिंग गो एंड रिलिंक्विशमेंट, दैट मीन्स उसको अलग कर देना, उसको छोड़ देना, इस तरह से। ठीक है भाई, समझ आ रही है आपको। डिटेंशन में क्या बताया मैंने, किसी बंदे को नज़रबंद करके रखा गया है, एंटोनियम इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आगे चल ले, नेक्स्ट वर्ड है एग्रेसिव। ठीक है, एग्रेसिव का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो हमेशा लड़ाई झगड़े के लिए तैयार रहता है, उसे एग्रेसिव कहते हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति जो लड़ाई के लिए तैयार है, उसे एग्रेसिव कहेंगे भाई। पर्सन रेडी टू अटैक, ये एक एडजेक्टिव है। सिनोनिम क्या है, डिस्ट्रक्टिव,
क्वारलसम, हाइपर, थ्रेटनिंग, ये सारे आपके इसके क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। और एंटोनियम, काम, इजी गोइंग, कंप्लीजेंट, एमिकेबल, दैट मीन्स ऐसा कोई पर्सन जो बिल्कुल शांत है, ठीक है, उसमें लड़ाई झगड़ा वाला कोई फीचर ही नहीं है, बिल्कुल शांत काम रहता है, सिचुएशन को जो है वो हैंडल किस तरह से करता है, बिल्कुल शांति से करता है, इस तरह का कोई फीचर, ठीक है। नेक्स्ट है इमेजिनेशन, इमेजिनेशन एबिलिटी टू फॉर्म अ मेंटल इमेज, इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अपने दिमाग से ही क्या करता है, मेंटली इमेज बनाता चलता है, उसे इमेजिनेशन कहते हैं। सिनोनिम क्या है, फैंटेसी, क्रिएटिविटी, आइडिएशन, इन्वेंशन, ओके भाई। और एंटोनियम इसके क्या हो जाएंगे, नॉन फिक्शन, लेजीनेस, सर्टेनिटी, इनएबिलिटी, ठीक है, कोई बिल्कुल सर्टन पर्सन बात करता है, लॉजिकली बात करता है, ठीक है, सर्टन है, मतलब मेंटलिटी उसकी सही है, ओके, बिल्कुल स्वस्थ दिमाग है उसका, इस तरह का कोई पर्सन, तो ठीक है, इसको ऐसे कोरिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो बहुत आसान से आप वर्ड हैं लर्न हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन इनको अगर रटोगे तो फिर ये याद नहीं रहेंगे, तो इसलिए मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इनको सीखो, वर्डिंग को सीखना सीखो, ठीक है, रिलेट करके पढ़ो। आगे देखो भाई, अगला वर्ड है डेप्यूटेशन, डेप्यूटेशन होता है ग्रुप ऑफ डेलीगेट, नाउन है ये भी, इसमें किसी भी पर्सन को कोई भी पर्टिकुलर जो एग्रीमेंट या प्रोजेक्ट है उसमें हम क्या करते हैं, असाइन करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट हो गई, अप्रूवल हो गया, असाइनिंग हो गई, सर्टिफिकेशन, सिलेक्शन, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है हमें, या तो हम प्रोजेक्ट में से सिलेक्शन करते हैं या हम एम्प्लॉय का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे इंटरव्यू के जरिए हमने कोई सिलेक्ट करना है, इस तरह का उसमें भी ये यूज हो सकता है, ठीक है। एंटोनियम में क्या होगा, इवेल्युएशन, अनऑथोराइज, फिनिश या डीमोशन, ठीक है, ये सारे आपके हो जाएंगे। प्रमोशन हो गया, वो भी एक इसका सिनो जो है वो सिनो नेम होगा, ठीक है, बट यहाँ एंटोनियम की बात है तो डिमोशन होगा, यानी उसकी जो है वो क्या कर दिया गया है, उसकी पोस्ट से हटा दिया गया है, इस तरह से। नेक्स्ट देखो, एप्रीहेंड, बच्चे एप्रीहेंड एक वर्ब है जिसमें किसी को क्राइम के लिए अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी ने क्राइम किया है और उसको फिर अरेस्ट किया गया हो, ओके भाई। सिनोनिम क्या है, अरेस्ट करना, कैच करना, मोब करना, ये आपके सिनोनिम है। और एंटोनियम में लिबरेट, लेटिंग गो और रिलीज, ठीक है, किसी को जाने देना, ये सब। नेबुलस क्या है, एडजेक्टिव, जिसका क्या अर्थ होता है, नॉट क्लियर समथिंग विच विल बी नॉट अ क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ठीक है, क्लियरिटी नहीं है कहीं पर, तो वहाँ पर नेबुलस वर्ड यूज किया जाता है। अनक्लियर, वेज, हैजी, ये सब आपके सिनोनिम हो गए। क्लियर, ऑब्वियस, अपेरेंट, जहाँ पर सारी चीज़ें क्लियर हों, क्लैरिटी हो पूरी तरह से, तो वो सारे वर्ड इस वर्डिंग के लिए एंटोनियम हो जाएंगे, ठीक है। ईगोटिस्ट क्या होता है, ईगो वाला पर्सन भाई है, जिसमें वो सिर्फ अपने आप को बेटर मानता है, प्रियोर मानता है। अ पर्सन हु थिंक ही और सी इज बेटर देन अदर, जो अपने आप को दूसरों से क्या समझता है, अच्छा समझता है। सिनोनिम क्या है, ईगोसेंट्रिक, सेल्फिश, ओके। एंटोनियम देखिए, हम्बल, अनसेल्फिश, अल्ट्रिस्टिक, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट एक एडजेक्टिव है जिसमें कोई बात क्लियरली बताई गई है। सिनोनिम में देख लो, क्लियर, डायरेक्ट, प्लेन, ऑब्वियस, ओके। एंटोनियम, एम्बिगियस और वेज, ये सब, ठीक है। आगे देखो, वर्सेटाइल, एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत सारे वर्क एक साथ कर सकता है, मल्टी टैलेंटेड आप जिसे बोलते हैं, जैसे कंप्यूटर है, मल्टी टैलेंटेड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, ऑलराउंडर, मल्टी फैसेटेड, वो आपका वर्सेटाइल होता है, ठीक है, मतलब व्यक्ति एक है लेकिन वो काम बहुत सारे कर सकता है। एंटोनियम इनएप्टी है इसका, ओके। आगे देखो, फटीक भाई, फटीक एक नाउन वर्ड है जिसका मतलब है कि किसी मेंटल एग्जर्शन, बिल्कुल दिमाग ख़राब हो रखा है किसी बात को लेकर, और फिर हम जो है बिल्कुल टायर्ड हो चुके हैं, टायर्डनेस हो गई है, वो होता है फटीक, ठीक है। वियरनेस, लैंग्यूर, एग्जॉशन, लेस्टिट्यूड, ये सब आपके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
और एंटोनियम में क्या है, फ्रेशनेस, विगर, एक्टिविटी, मतलब कोई थका ना हो, बिल्कुल फ्रेश माइंड से अपना वर्किंग काम कर रहा है पूरी तरह से अच्छे से, ओके। प्रीविल क्या होता है, प्रूव मोर पावरफुल, जो अपने आप को पावरफुल प्रूव कर दे वो प्रीविल होता है भाई। सिनोनिम ट्रिम्प, विन, कनक्वर, यानी जो जीत हासिल कर ले, इस तरह का पर्सन, ठीक है। एंटोनियम में फेल, फ्लॉप, वेन, स्ट्रगल, जो स्ट्रगल ही कर रहा है उसके सारे आइडिया फ्लॉप हो रहे हैं, ठीक है, वो फेल हो रहा है, असफलता उसे मिल रही है, वो आपका एंटोनियम हो जाएंगे। कन्वेंशन, अ वे इन विच समथिंग इज़ यूजुअली डन विद एग्रीमेंट, ठीक है, कोई एग्रीमेंट हो रखा है उसके लिए आप कन्वेंशन यूज़ करते हैं, जैसे मीटिंग हो गया भाई, जैसे आपका मीटिंग हो गया, सो हो गया, असेंबली हो गया, डेलीगेशन, कॉन्वोकेशन, दैट मीन्स कोई एग्रीमेंट करने के लिए एक स्पेसिफिक लोकेशन या कहीं पर जो काम हो रखा है वो इसके सारे इसमें आ जाएंगे भाई, सिनोनिम आ जाएंगे, ठीक है। एंटोनियम डिस्कॉर्ड, रिटायरमेंट, डिसएग्रीमेंट, डिस्पर्जन, ओके। नेक्स्ट देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम नाउन है, संतुलन बनाए रखना दो चीज़ों के बीच में, बैलेंस बना के रखना उसके लिए बोलते हैं। सिनोनिम बैलेंस, इक्विपोज, स्टैटिसिस, पोज, ओके। और एंटोनियम चेंजेबिलिटी, फ्लक्चुएशन, वर्टिलिटी और इंस्टेबिलिटी, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है भाई। आगे देखो कॉन्स्पिशियस, जिसमें क्या होता है, अटैक, हम अटेंशन लेने के लिए काम करते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्लियर इंसान है, ठीक है, अट्रैक्टिव, ब्रिलियंट है, एम्पैथिक है, कैची है, ड्रामेटिक है, कमेंडिंग है, ये एक एडजेक्टिव की फीचर्स हैं भाई सारे। एंटोनियम हिडन, प्लेन, क्विट, फैंट, सिंपल, ऑब्सिक्योर, अंडरस्टेट, ये सारे एंटोनियम है, मतलब इसमें क्या होगा, एक ऐसा पर्सन जो बिल्कुल ब्रिलियंट है, सारी मतलब सभी उसको प्यार करते हैं, सभी उसके ऊपर अटेंशन देते हैं, ऐसा पर्सन। हाँ देखते हैं भैया और भी कितने बाकी हैं आपके, तो भाई आई थिंक अब आप क्लियर हो गए होंगे, ये दो चार वर्ड हो रहा है वो कर लेते हैं। टेम्पटेशन का मतलब क्या होता है, डिजायर टू डू समथिंग, एक ऐसी डिजायर जिसमें हम कोई काम करने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। सिनोनिम एल्यूरमेंट, इंटाइसमेंट, इंड्यूसमेंट, इन्फ्लुएंस, परसुएशन, ये सारे इसमें सिनोनिम आ जाएंगे। एंटोनियम में क्या है, फॉरवार्निंग, अलर्ट, नोटिस, क्वेश्चन, दैट मीन्स कोई मतलब करना ही नहीं चाहता है, इच्छा ही नहीं रखता है किसी वर्किंग काम करने की, तो वो सारे इसमें एंटोनियम वर्ड आएंगे। मिसट्रस्ट, लैक ऑफ ट्रस्ट, जिसमें ट्रस्ट जो है नहीं होता, ठीक है, ट्रस्ट वर्दीनेस नहीं हो जहाँ पर। सिनोनिम में क्या आएंगे, मिसगिविंग, डिस्ट्रस्ट, स्क्रपल, सस्पिशन, ये सब आ गया। और एंटोनियम में क्या आ जाएगा, ट्रस्टफुलनेस, ट्रस्ट, सीवियर, सीवियर, ओके। आगे देखिए भाई, डिसएंगेजमेंट, जहाँ हम किसी एक्टिविटी से अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं वो आपका डिसएंगेजमेंट होता है, ओके। सिनोनिम में रिलीव, डिस्चार्ज, रिलीज करना, फ्री करना, लिबरेट करना, ये सारे आ जाएंगे। एंटोनियम में हम इसका उल्टा है कि हम उस एक्टिविटी को करी जा रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, लॉक कर रहे हैं, मैश कर रहे हैं, ठीक है। यूनिफॉर्मिटी होता है किसी चीज़ का एक जैसा होना, एक स्वरूपता रखना, यूनिफॉर्मिटी होती है, ठीक है। द क्वालिटी ऑफ बींग यूनिफॉर्म, दैट इज़ लाइकनेस, यूनिटी, कॉनकॉर्ड, रेगुलरिटी, बच्चों, ठीक है। और एंटोनियम क्या होगा, फाइटिंग, डिसएंगेजमेंट, डिफरेंस, तो ये ठीक है भाई, यूनिफॉर्मिटी में ये सारे वर्ड आ जाएंगे। एंटोनियम देख लो, फाइटिंग, डिसएंगेजमेंट, डिफरेंस, वेरिएशंस, वो सब। लैप्स देखो भाई, लैप्स क्या होता है, ब्रीफ में किसी बात को बताना, टेम्पररी या फेलियर हो जाना किसी चीज़ का, ब्रीफ और टेम्पररी फेलियर ऑफ द कंसीडरेशन, मतलब हम कोई काम अच्छे से कर रहे थे लेकिन बीच में कोई इंटरवेंशन हो गई है, ठीक है। सिनोनिम ब्लंडर, फॉल्ट, एरर, स्लिप, फंबल, मिसक्यू, मतलब हमारा काम जो था वो अधूरा रह गया, ठीक है। और एंटोनियम करेक्टनेस, एक्यूरेसी, एग्जैक्टनेस, परफेक्शन, दैट मीन्स कोई काम बहुत अच्छे से हुआ, बहुत करेक्शन के साथ हुआ, ठीक है, एक्यूरेसी के साथ हुआ, ठीक।
तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने सिनोनिम और एंटोनियम करने थे भाई, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करके जाएं और शेयर कर दें भाई, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता देंगे। ओके भाई, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच।